आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। सो द क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग ह्यूमन डिसऑर्डर्स। फर्स्ट हीमोफीलिया, सेकंड डाउन सिंड्रोम, सी सिस्टिक फाइब्रोसिस, फोर्थ कलर ब्लाइंडनेस, फिफ्थ नाइट ब्लाइंडनेस। सो गाइस, यहाँ पे हमें बताना है फ्रॉम द गिवन लिस्ट विच ऑफ दीज डिसऑर्डर एग्जिबिट मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, सो गाइस, अगर हम बात करें मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, सो हमारे जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स रहते हैं उनका जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस रहता है वो कहलाता है मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, सो गाइस, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑल्ट्रेशन इन सिंगल जीन और इन जीनोम। ठीक है, सो गाइस, अगर कुछ भी ऑल्ट्रेशन हो रहा है, अगर वो ऑल्ट्रेशन सिंगल जीन में भी हो रहा है, सिंगल जीन, या फिर हमारे जीनोम में कहीं ऑल्ट्रेशन हो रहा है, तो उससे क्या होता है, उससे होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, सो गाइस, अब यहाँ पे हमें जो लिस्ट दे रखी है, सबसे पहला है हीमोफीलिया। ठीक है, सो गाइस, हीमोफीलिया जो है वो है हमारा सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है, सो गाइस, अब इससे पहले हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएं, हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स क्या हैं। ठीक है, सो गाइस, सेक्स लिंक्ड वो डिसऑर्डर है जब हमारा ऑल्ट्रेशन हो रहा है जीन का, या जीनों में ऑल्ट्रेशन हो रहा है इन द सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, जब हमारे सेक्स क्रोमोसोम में कोई ऑल्ट्रेशन हो, तो ऐसे जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो कहलाते हैं हमारे सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स। ठीक है, वाइल जो हमारे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, इनके केस में क्या रहता है, इनके केस में जो हमारा ऑल्ट्रेशन होता है वो होता है ऑटोसोम्स में। ठीक है, सो गाइस, अब हम हीमोफीलिया पे आते हैं वापस। हीमोफीलिया जो है वो है सेक्स लिंक डिसऑर्डर। तो ये है हमारा, इसका जो जीन प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोसोम पे। ठीक है, और ये है एक रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, देन हमारा दूसरा ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, सो गाइस, यहाँ हम समझे थे अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, डाउन सिंड्रोम जो है वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं गाइस, ऐसे डिसऑर्डर्स विच आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चेंजेस इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम या फिर इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम्स के नंबर में या फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज है, तो उससे हमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, सो गाइस, डाउन सिंड्रोम जो है वो एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जहाँ पर क्या होता है, जो हमारा 21st पेयर रहता है क्रोमोसोम का, उस पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। तो हम डाउन सिंड्रोम जो होता है वो ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये एक मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है। हमारा थर्ड ऑप्शन है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, सो गाइस, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो है एक रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट कलर ब्लाइंडनेस, सो गाइस, कलर ब्लाइंडनेस जो है वो है हमारा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, इसका जो जीन है वो हमारे एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, हमारा पांचवा ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस। तो गाइस, जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो हमें डेफिशिएंसी की वजह से होता है, वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, सो गाइस, अब इन ऑप्शंस में से जो हमारा हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस और कलर ब्लाइंडनेस जो है, ये तीनों है मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, सो इट इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।